the topic method of analysis and under this topic we will study the method of lagrange previously we have studied that the optimization technique is mostly utilized in the economics and not even in the economics in finance in econometrics in engineering to solve many solutions when we are having certain resources and when we have certain objective function and so, when we say that a point that is called x staric here that we have taken, and this X staric is that point that we have attained from the point of optimization, mean that is that point of value of x that satisfies our conditions of the constraints and it is able to provide us with the, our objective function solution and this point will be the global minimizer if it fulfills the condition that this point is either less than or equal to then the function of x and that is the set of all other point or agdusriel ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के तमाम इंटरवल में जो सबसे लोएस्ट होगा तो वो हमारा ग्लोबल मिनिमम होगा उसी तरीके से लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि यही वाला जो पॉइंट एक्स टेरिक है अगर मैथमेटिकली हमारी एक कंडीशन को फुलफिल करे और अगर हम इसमें हम देखें तो कहते हैं ये वही है कि जब हमारे पॉइंट की फंक्शनल वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू द फंक्शन ऑफ ऑल अदर एक्स वैल्यूज बट इन अ स्मॉल नेबरहूड ऑफ एक्स तो दैट विल भी लोकल मिनिमम और इसी तरीके से अगले अगर नेक्स्ट दो पॉइंट्स को हम कहें तो एक हमारा ग्लोबल मैक्सिमम होगा और अगर एक हमारा लोकल मैक्सिमम होगा तो ये जो चार कंडीशंस हैं इनके बैक एंड पे अगर हम देखें तो हमारे मैथमेटिकल रूल्स और उनकी कंडीशन मौजूद हैं और इसको देखते हुए अगर हम देखें तो जब हम अपने कर्व्स को ड्रा करते हैं तो चूंकि उसमें जो हमारे पास डाटा सेट मौजूद है उसको सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिकल टूल्स को लेकर चलना पड़ेगा अब उसी मैथमेटिकल टूल्स में अगर इस पॉइंट को मैं देखूं कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम अगर एक कमोडिटी को, को ड्रा कर रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम एक दूसरी कमोडिटी को ड्रा कर रहे और अगर इसको मैं एग्जाम्पल यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में चूंकि हम मोस्टली देखें तो हम इस हवाले से ले रहे होते हैं कि दैट कैन बी द कंजम्पशन तो अगर मैं कहूँ कि इस साइड पे हम एक कमोडिटी है जिस एक्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं और इस साइड पे अगर मैं कहूँ तो वाई को कंज्यूम कर रहे हैं तो अगर हम उसी पॉइंट पे देखें तो एक्स और वाई के कम्बिनेशन के जवाब में एक वैल्यू यहाँ से चलती है और इसके मुकाबले में ये कम होती होती यहाँ पर आती है और जिस टाइम एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर है सपोज इट इज़ टू तो हम कहें कि y की वैल्यू जो है वो इस पे है जब हमारे पास अगेन x की वैल्यू फोर है तो y की वैल्यू ये है तो लाइक दिस इट शोज अस डाउन मूवमेंट्स तो अलोंग दिस कर्व अप एंड डाउन मूवमेंट्स में जो ये वाले पॉइंट्स हैं दैट जहाँ पे हम अगर देखें कि एक दफा कर्व डाउन आता है और दोबारा से अप जाता है ऐसे पॉइंट्स को अगर हम देखें तो मोस्टली दीज पॉइंट्स दे आर कॉल्ड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स और यहीं पे अगर मैं आपके सामने रखूं हम एक प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम ड्रा करते हैं मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स में और हम इस फॉर्म में ड्रा करें और मैं उसके सेंटर से एक ओरिजिन से एक अगर लाइन ड्रा करूं तो हम देखते हैं कि ये यहाँ से कट करती है इसी कर्व को तो यहां से कट करने का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि यही प्रोडक्शन फंक्शन में से उसकी जो स्लोप है यहाँ इस पार्ट से यहां तक और है यहां से लहदा हो के ऊपर हो जाती तो इसका ये वाला पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाए इस एग्जाम्पल को आपके सामने रखने का मतलब जो है यहाँ वाई आउटपुट है और यहां पे कैपिटल या लेबर हमारा इनपुट है तो मीन्स सेडल पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है ये हमारी इकोनॉमिक्स के किसी भी कर्व के अंदर मौजूद हो सकता है या हमारे मैथमेटिकल काम के किसी भी ग्राफ में हो सकता है जब भी ग्राफ या काउंटूअर अपनी स्लोप को चेंज करता है टर्निंग पॉइंट देता है तो वो हमारा पॉइंट सेडल पॉइंट कहलाएगा या अगर हम दूसरी फॉर्म में देखें तो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगा और उस पॉइंट के ऊपर जब हम उसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे y X, तो हम, इस पे अगर हम करेंगे तो अगर मैं यहां पे कहू कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस पॉइंट पे करूंगी तो अगेन चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस पॉइंट पे देखें तो अगेन चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमिस्ट के लिए क्या राइज होता है कि हमारे पास जनरल थ्रेटिकल मॉडल्स हैं व्हेन वी हैव टू प्रूव वेरियस थ्योरीज विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डाटा लेकिन वो डाटा हमारे पास इनकम्प्लीट भी हो सकता है और पॉसिबल है कि बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हों जिनका हमारे पास अभी डाटा अवेलेबल ही नहीं है तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो चूंकि जब डाटा अवेलेबल नहीं है तो इन नमेरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है या डाटा मौजूद है तो वो क्वालिटेटिव फॉर्म में ऐसी सूरत हाल में इसका मतलब है कि हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को हल करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे क्योंकि वो हमें उस तरीके से सोल्यूशन तो दे पाएगी लेकिन हो सकता है हमारे लिए सेडल पॉइंट कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाए और इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे सोल्यूशन प्रोसेस में बहुत सी हमारे जनरल कंडीशन हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी मीन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की शेप क्या बनेगी हमारे पास जो फिजिबल सेट है

मैथ और स्टैटिस्टिक्स ने प्रोवाइड किए हैं वो हमारे पास दो हैं कि ऐसे में जो सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है हम थ्रू मैथमेटिक्स हम उसका डेरिवेटिव या स्लोप कैलकुलेट करते हैं और उसमें पहली कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इट शुड बी इक्वल टू जीरो आइधर वो मैक्सिमम पॉइंट है आइधर वो मिनिमम पॉइंट है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हर सूरत में ज़ीरो आएगा इसका मतलब ये है कि इसके बाद रेट ऑफ चेंज ज़ीरो हो गया रुक गया तो वो सेडल पॉइंट है इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो जनरल थ्रेटिकल मॉडल्स हैं क्योंकि हमारे पास उनको सॉल्व करने का और कोई सोल्यूशन नहीं है अगर हमारे पास उनका डाटा अवेलेबल ना हो और बहुत से मॉडल में डाटा अवेलेबल हो सकता है लेकिन हो सकता है इनकम्प्लीट हो या डाटा हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में ना हो तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसके लिए मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टूल्स को लेके चलें और हम उसके लिए जो प्रॉपर फॉर्म में हम कहें कि उसको सॉल्व ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन को हल करते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं ऑप्टिमाइजेशन की जिसमें हम कहते हैं कि उसको वो पॉइंट्स जब हमने उसको मैक्सिमा या मिनिमा तय करना है तो उसकी दो कंडीशन लाजमी हों पहली नेसेसरी कंडीशन है कि फर्स्ट डेरीवेटिव इक्वल टू ज़ीरो लाजमी आना चाहिए और सेकेंड डेरीवेटिव में आइदर पॉजिटिव हो और आइदर नेगेटिव हो अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं एक कर्व जिसको हम अगर कहें कि इस फॉर्म में हमने ड्रा किया और यहाँ पे हमारा पॉइंट वाई है ये हमारा एक्स है और इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से बन रहा है तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सेडल पॉइंट हमारे पास है तो और इस पॉइंट के ऊपर चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें बताता है कि ये इसकी स्लोप जीरो हो गई लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि आइदर इट इज मिनिमम और इट इज मैक्सिमम लेकिन जब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव में हम कहेंगे नाउ द रेट ऑफ चेंज शुड बी पॉजिटिव तो मीन्स कि अब सेकेंड डेरिवेटिव में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अगर हम सेकेंड कहेंगे तो इट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो रादर इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होगी तो देन इट विल असर्टेन कि ये पॉइंट जो है ये हमारा मिनिमम पॉइंट है इसी तरीके से अगर हम दूसरा पॉइंट ऐसा ड्रा करें जिसमें रिलेशनशिप ऐसा है तो इसका ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये भी हमें चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो zero, जीरो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो होगा लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जो है वही हमें शो करेगा कि जो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड में इट इज नॉट इक्वल टू जीरो रादर इट इज लेस देन मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो व्हेन आफ्टर दिस पॉइंट इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग तो हम डिसाइड करेंगे कि ये मैक्सिमम पॉइंट था तो ये दो हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है अब इसी तरीके से हमारे पास एक जो मेन अजम्पशन है वो हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट का प्रॉब्लम है कि हमें उसमें देखना है कि उसको हल करते हुए वो जो कॉन्स्टेंट है वो हमारे पास वाकई कन्वेक्स शक्ल में है या नहीं है तो ऐसी सिचुएशन को हल करने के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड द लेगरेंज मल्टीप्लायर और ये लेगरेंज जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम पे या अगर हम दूसरी फॉर्म में कहें तो अनवेल्प थ्योरम के ऊपर बेस कर रहा है और अगर हम शॉर्ट फॉर्म में मैं कहें कि अनवेल्प थ्योरम कहलाता गया है तो अगर हम कहें जिस तरीके से रोशनी हमारे पास किसी मीडिया के बगैर जब डायरेक्ट पहुंचती है तो वो वाला पाथ जो शॉर्टेस्ट पाथ जिस तरह है उसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन शॉर्टेस्ट पाथ के जरिए सल्यूशन तक पहुँचता है और इसीलिए हमारे पास चूँकि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो हम उसकी स्लोप को फाइंड आउट करते हैं दूसरी तरफ ऑप्टिमल पॉइंट में अगर हम देखें तो हमारे पास पहुंचने से पहले कॉन्स्ट्रेंट मौजूद है तो हम कॉन्स्ट्रेंट की स्लोप को फाइंड आउट करते हैं और इन दोनों की स्लोप का जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बने मीन स्लोप ऑफ काउंटर जो है हमारे पास उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इट शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट और कंस्ट्रेंट तो हम कहते हैं कि दिस विल गिव अस द टेंजेंसी पॉइंट और अगर हम यहाँ पे अब देखें तो इसको ग्राफिकल शक्ल में कि दिस इज वन फंक्शन दैट इज गिव अस द कॉन्स्टेंट अवेलेबल विद अस और अगर कॉन्स्टेंट को दूसरे फॉर्म में कहें तो ये हमारी तमाम अवेलेबल ऑप्शन होते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो हमारे सामने मौजूद है और अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास एक बजट लाइन के दरमियान ये हमारा टेंजेंसी जो टी लाइन है ये बेसिकली इस पॉइंट को टच कर रही है जो टेंजेंसी का है क्यों ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारे पास दो लाइनें हमारे मौजूद थी कि यह हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड हमारा कॉन्स्टेंट इन दोनों की जो स्लोप है वो इक्वल हो गई है तो जिस टाइम दोनों की स्लोप इक्वल होकर वो पॉइंट टच करता है वो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता है और इसी तरह इस नेसेसरी कंडीशन को अगर हम लेग्रेंज की फॉर्म में हल करते हुए आगे चलें तो मीन्स ये हमें देता है कि फर्स्ट फंक्शन माइनस लेमडा को अगर हम लें तो एक इक्वेशन दूसरी और तीसरी यहाँ पे अगर हम देखें तो अब इसने हमें एक थर्ड इक्वेशन यहाँ पे और दे दी है तो अब इसमें हम देखें तो नॉट ओनली कि अब हमारे पास चॉइस वेरिएबल्स नॉन एक्टिविटी कंडीशन फंक्शनल कॉन्स्टेंट लेकिन इन सब के साथ एक तीसरा कंडीशन इक्वेशन एड हो गया जो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है तो इनको मिलाने के बाद अब जो कंडीशन बनी वो अगर आप देखें तो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स वन और एक्स टू था लेकिन अब यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लग्रेंज की शक्ल में देखें तो ये एक्स वन एक्स टू और लेमडा परमो है और अब यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अब हम देखें तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये जो है ये हमारी है कॉन्स्टेंट और जिसको दूसरे फॉर्म में हम कहें तो ये हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है और हम इसको सॉल्व करके लगरेंज मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें कि लगरेंज मल्टीप्लायर किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है तो हम किसी भी एक एग्जाम्पल को अगर सामने रखें तो उसके जरिए से हम इसको हल कर सकते हैं अगर इसी इक्वेशन में मैं हल करना चाहूँ तो जिस तरीके से ये मौजूद है तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डेरीवेटिव ऑफ़ एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन और फिर हम लेंगे डेरीवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू फिर हम लेंगे डेरीवेटिव ऑफ़ एल विद रिस्पेक्ट टू लेमडा